फायदा होने वाला है। लैब आपकी ओके है, सभी सब्जेक्ट्स की लैब हो, साइंस सब्जेक्ट्स की लैब जो है ठीक है आपकी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लैब जो हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर और सीओ साहब हैं उनका काफ़ी देर से जो प्रयास रहा है कि इस किस्म का लॉन्च किया जाए जहां सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटर एजुकेशन दी जाए, तो आज जो लॉन्च हुआ है इससे जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर्टिकुलरली जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जहाँ ट्वेल्थ के बच्चे होते हैं और दूर दराज का एरिया होता है, अगर वहाँ कोई किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं है तो, और उनको उस सब्जेक्ट में पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, तो एकदम जो है वो इस माध्यम से पूरी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास जो बेस्ट टीचर्स होते हैं जिनको आपको भी पता है, जब कोई भी पढ़ाई करता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो वो फार लाइफ जो है वो याद रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम और बच्चों के साथ उनका जो तालमेल बैठता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ टीचर्स होते हैं जिनका बेटर जो है वो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन होता है, बेटर बच्चों को समझाते हैं और बच्चों में पॉपुलैरिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस माध्यम से जो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और वो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने भी स्कूल्स लिंक हो सकते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो लोरन सब्जियाँ का दूर का स्कूल है, हाड़ी बुड्ढा का स्कूल है या पुंछ सिटी का स्कूल है। तो ये जो गैप ब्रिज होगा ये बहुत बड़ी बात है, ये जो काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये सभी लोग जो हैं वो अप्रिसिएशन के जो हैं हकदार हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका जो हम मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ होता है, हमारे पास एक इतनी अच्छी टीम है जहाँ एजुकेशन में, वो इसका मोस्ट इफ़ेक्टिव जो यूज़ होता है उसको करेंगे, और जो इनके डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं इसको मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, और जहाँ भी अगर कोई गैप्स होंगे उनको ठीक करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी आगे एफर्ट रहेगा कि इससे ज़्यादा से ये फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में लेकर जाएँ हम, तो उस दिशा में भी जो है हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, देखेंगे कि आने वाले दिनों में और कितने स्कूल्स हैं जो हम स्मार्ट स्कूल बना सकते हैं और बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेटर कर सकते हैं। जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट हैं आपको भी ये आइडिया होगा कि हिली डिस्ट्रिक्ट में जो दूरदराज डिस्ट्रिक्ट हैं आपको भी ये आइडिया होगा कि हिली डिस्ट्रिक्ट में जो दूरदराज के इलाके हैं वहाँ नेटवर्क के इशू रहते हैं। तो अभी पीछे जब हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जहाँ पुंछ के दौरे में थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, तो जो कुछ सिविल के डेपुटेशन मिले उन्होंने भी ये जो बात कही कि बहन जहाँ नेटवर्क शेडो एरिया है, तो उन्होंने फ़ौरन हमें जो है उस समय डायरेक्शंस दी कि नेटवर्क शेडो एरिया को वर्कआउट करो और किसी ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको रोप इन करके उसको हम जल्दी से ये टावर्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाएँगे। तो उसका हमने एक नेटवर्क शेडो एरिया का ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट था, उसको और रिफाइन करके हमने सबमिट कर दिया, हायर अथॉरिटीज को चेज करेंगे। लेकिन ये 2 या 4 टावर्स की बात नहीं है, ये कम से कम भी 40 से 50 टावर लगेंगे, फिर जाकर हमारे जो नेटवर्क शेडो एरिया हैं वो नेटवर्किंग कनेक्शन में आएंगे। तो उसके ऊपर जो है वो प्रयास किया जा रहा है, हायर अथॉरिटी से भी टेकअप किया है और जो हाइएस्ट अथॉरिटी है उन्होंने श्योरेंस दी है कि किसी को रोकिंग